आप अगर समोसे के दीवाने हो और पेटिस के दीवाने हो रोल के, तो एकदम भागे भागे दौड़े चले आइए हमारे रेसिपी की तरफ, क्योंकि इसमें रोल के भी फ्लेवर मिलेगा, समोसे के भी और पेटिस के, सारे फ्लेवर इसी नाश्ता में आप लोग के मिल जाएंगे। सबसे पहले चाहिए हमें एक बाउल भर के, एक बाउल मैदा, थोड़ा से अजवाइन है प्रेस करके, आधा चम्मच, थोड़ा सा नमक, सारे चीज़ों को ऐसे इसे मिला लेना है। अब इसमें सारे चीज़ों को मिक्स करते हुए इसमें एक बड़ा चम्मच इसमें तेल डालोगे। आप कोई भी तेल डालना जिस तेल में स्मेल नहीं आता हो, या घी भी डाल सकते हो आप। ये सारा चीज़ों को ऐसे बस ऐसे मिलाना है। अब इसे आटा को ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे लगा देना है। आटा को हमें ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाना है, ज़्यादा गीला भी नहीं करना है, टाइट तो बिल्कुल नहीं रखना है आटा को। आटा को हमें ना इसे आटा हम गूंथते हैं और इसे नहीं गूंढना है, बस सिर्फ ऐसे आटा को मिला मिला के सारे आटा को ऐसे जोड़ना है, आटा की तरह बिल्कुल नहीं गूंढना है, सारे चीज़ को ऐसे बस इसे एक ही में पूरा मिक्स करके ऐसे जोड़ना है सारा। ये आटा ज़्यादा ढीला भी नहीं, ज़्यादा टाइट भी नहीं, अभी आटा लग गया है। अभी आटा को इसे 10 से कम इसको 10 मिनट तक इसे रेस्ट करने के लिए आटा को ऐसे ढाक के इसे साइड में रखूँगी, आटा साइड में रखूँ। उसके पहले बाद 3 आलू कटा है कट करके ली हूँ, ये पचफोरन है, ये है लहसुन बारीक बारीक कटा हुआ, अदरक है इसे ग्रेट करके ली हूँ, ये 3-4 हरी मिर्ची है कटा ली हूँ। इधर हमारा कुकर भी गर्म हो गया है, अब इसमें डालूँगी थोड़ा से तेल, वो जो आलू है उसको फ्राई करने के लिए हमें तेल इसमें बहुत कम डालना है, क्योंकि हम सब्जी नहीं बना रहे, सिर्फ आलू को हल्का से इसको कुक करना है। आलू को ये पचफोरन ली थी, पचफोरन सबसे पहले डालूंगी, तेल गर्म हो गया, लहसुन भी डालूंगी, ये हमारा लहसुन उसमें गोल्डन हो गया, उसके बाद में डालूंगी हरी मिर्च अदरक, इसे हमें भूलना नहीं है, आलू भी डाल देना है, इन्हें मिक्स कर देंगी सारा। अब इसमें सिर्फ थोड़ा सा हल्दी डालना है, हमें कोई मसाला नहीं डालना है इसमें, सिर्फ हल्दी डालना है। अब स्वाद अनुसार नमक भी डालेंगे। अब इन्हें हमें इसे ढक्कन लगा के इसे ना 6-7 मिनट तक इसे एकदम पूरा लो फ्लेम पे, इसे नहीं तो नीचे पकड़ने लगेगा, इसमें पानी भी नहीं है, इसे रखना है, सीटी नहीं लगाना, सिर्फ लो फ्लेम इस पर करना है बस। जब तक हमारा आलू कुक हो रहा है, ये आटे को जो आटा लगा के रखी थी ना, आटे को ऐसे छोटे छोटे ऐसे, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटे छोटे ऐसे बॉल्स बना लेने हैं सारे आटे को, ऐसे सारे बॉल बना के रेडी कर ली हूँ हमारे। अब इसे पूरी जैसे बेलते हैं, ऐसे बेलना से ऐसे सारे बॉल को बेल लेना है। हमारा कुक हो गया आलू, इसे गैस बंद कर रही हूँ। अब इसे 2 मिनट बाद इसे आलू को बाहर निकालूंगी, इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा लगा के बेलना है। इस तरह भी ऐसे बेलने कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ना मैदा लगाने से अच्छा बेलने में ना आसानी होगी। सारे पूड़ियों को ऐसे एक एक करके सारे ऐसे बेल लूँगी, क्योंकि ये पूड़ियाँ चिपकेगी नहीं ऐसे, तपरा लूँगी। पूड़ियाँ हमारी सारी बेल के रेडी हो गई है। अब उसके बाद 1 चम्मच भर के ली हूँ यहाँ पे मैदा है। अब इस मैदे में मैं 2 चम्मच भर के डालूँगी घी, घी डाल के इसमें घी को सारा ऐसे एक ही में मिला लेना है। 2 मिनट घोलने के बाद में, मिलाने के बाद में पूरा क्रीम जैसा दिख रहा है। अब एक एक पूड़िया ऐसे अलग रखूँगी सारे पूड़िया को। अब इसी पूड़ी के ऊपर ये जो बनाई थी मैदा घी से, इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पूड़ियों पे लगाना है। इस पर भी लग गया है, इधर भी लग गया है, दोनों पूड़ियों को ऐसे हमें ऐसे एक ही रख के ऐसे चिपका देना है। सारे पूड़ियों के ऊपर ऐसे में लगा के घी मैदा ऐसे एक ऐसे पूड़िया पे घी मैदा लगा के 2-2 पूड़ी घर के ऐसे चिपकाऊंगी। सारे पूड़ियों के ऐसे जोड़ ली हूँ डबल डबल, इसे बेल के थोड़ा ऐसे एक ही चिपका सकते हो, नहीं तो हाथ से भी ऐसे पूरा सेंटर में दोनों पूड़ियों के ऐसे थोड़ा और इसे पतला में करना है। आप ऐसे बेल भी सकते हो, नहीं तो ऐसे हाथ से भी ऐसे पूरा सेट में हो जाएगा बराबर।
और 8 पूड़िया थे तो डबल करी हमारे 4 हो गए हैं। अभी मैं जो पूड़िया बेली हूँ, ये पूड़िया को ये बड़ा है, ये मीडियम साइज। अब मैं छोटा बड़ा क्यों बेली हूँ आप लोग सामने, अभी मैं इसको दिखाती हूँ। इसको हम अलग तरीके से अलग अलग, इसीलिए बड़ा छोट बेली हूँ, अलग तरीके से बना। हमें बड़े पूड़ियों को और छोटे पूड़ियों को दोनों को जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं बड़ा और छोटा बनाई हूँ। जो हमारा आलू था मैं इसे फ्राई करी थी, आलू कुकर से बाहर निकाली हूँ। अब इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डालूंगी। धनिया पत्ता डालने के बाद में ये आलू को पूरा एकदम बारीक करना है, चम्मच से हाथ से ये मैं मिक्सर से फोड़ूंगी इसे। पूरा आलू को पूरा है ना इस तो पूरा बिल्कुल पूरा बारीक बनाना है हमारा। ये पूरा ना पूरा बारीक पूरा पतला है, पूरा स्टिकिंग तैयार है। इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा फ्लेवर के लिए ये चिली फ्लेक्स है पूरा। उसके बाद डालूंगी आधा चम्मच इसमें चाट मसाला। अब इसको अच्छे से पूरा मिला लूंगी। आपके पास चाट मसाला नहीं है तो कोई बात नहीं, और कोई मसाला खाने वाला मैगी मसाला हो गया, किचन की कोई भी मसाला, और उसमें काला नमक जरूर डाल देना, क्योंकि ये चाट मसाला में इसमें हींग भी है, काला नमक सब कुछ है, इससे बहुत चटपटा ये नाश्ता बनेगा। ये जो इस स्टिपिंग से आपने आलू को जो पूड़ी बनता है ना, आलू को पूड़ी भी बना सकते हो आप और परोठा भी बना सकते हो। ये बहुत चटपटा है, बहुत प्यारा सा स्टिपिंग है ये, और चटपटा है भी, खाने में भी स्वाद है। इसे बहुत सारे रेसिपी इससे बन जाएगा आपके। ये पूड़िया पे ना ऐसे स्टिपिंग कैसे ऐसे लम्बा दाब देना है इसे, और फिर उसके बाद हमें ऐसे फैला लेना है अंदर तक। ऐसे फैलाने के बाद में हमें ऐसे फोल्ड करना है, और जो किनारे का भाग है ना इस पर आप ऐसे हाथ से भी ऐसे दबा सकते हो, हल्का से पानी भी लगा सकते हो, ऐसे खुलेगा नहीं क्योंकि आटा हमारा ज़्यादा टाइट भी नहीं है। ये हमारा ऐसे एक ये मैं बना ली हूँ, ये रेडी हो गया है। अब दूसरी पूड़ियों को हमें ऐसे ऐसे बीच से ऐसे कट कर देना है, ऐसे पूड़ियों पे ऐसे हमारा पूड़िया कट हो गया। अब इधर कट हो गया, इसके सारा एकदम पतला से स्टिपिंग को ऐसे पूरा एकदम पूरा पतला फैलाना है। अब पूरा इनमें पतला से मैं चारों तरफ जहाँ मैं कट करी हूँ वहाँ पे नहीं लगाई हूँ, पूरा मैं चारों तरफ ऐसे लगा ली हूँ। ऐसे हमें किनारे से उठाएंगे ऐसे, फिर ऐसे समोसे तरफ मुड़ेंगे हम, फिर इसके ऐसे फिर डबल करेंगे, फिर जो बाकी के ऐसे बचा है फिर हम ऐसे कर लेंगे। उसके बाद और जो नीचे का साइड थोड़ा खुला है ऐसे हम इसको भी दाब देंगे थोड़ा से, और ऊपर से एकदम हल्का से ऐसे ऐसे करके ऊपर से भी दाब देंगे। ऐसे दाबने के बाद ना जो हमारी लेयर है इसको मैं पतला थोड़ा रखी थी, और पूरा पेटी से ज़्यादा दोस्तों स्वाद है, पूरा पेट जैसे ना पतली पतली पूरा लेयर निकलेगी, और लेयर के साथ में जो इसमें ना स्टफिंग निकलेगी ना खाने में तो मज़ा आ जाएगा उसका। अब तीसरी पूड़ियों के क्या करूँगी, ऐसे सीधा ऐसे सीधा बिल्कुल ऐसे सेंटर में से इसको कट कर दूंगी। इसे हम इधर भी कट करेंगे, इसे चारों से पूरा सेंटर में इसे हमें चार पूड़िया ऐसे तीन कोने बनानी है, चारों तरफ कट गया हमारी। इसमें पूरा पिज्जा के जैसे कटर होता है ना काटते हैं हम, ऐसे पूरा चारों अलग अलग हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे ये फिर आलू को जो हमने स्टिकिंग बनाई थी इसे फिर इस पर भी चिपकाना है। अब ऐसे मैं इसके जो दूसरा पूड़िया था इसके ऊपर से ऐसे चिपका दूंगी इसे। अब ऊपर से चिपकाने के बाद में फिर सेंटर से ऐसे दाब दो ऐसे चारों तरफ से। ये भी रेडी हो गया। ये हमारी जो है लास्ट में चौथी पूड़िया, ये सारे पूड़ियों से बड़ी है, इसका मैं अलग से दूंगी। ये हमारा स्टिपिंग है चौथे पूड़िया पर, पूरा ऐसे पतला से पूरा फैला ली हूँ। अब इसे हम इसे रोल करूँगी। अच्छा अब ये हम ऐसे हम रोल करेंगे इसे, ऐसे दाबे जाएंगे इसे। ये पतला अपने आप इसे ज़्यादा दाबने को ज़रूरत भी नहीं है।
तो हमारा अच्छे से रोल हो गया है। रोल इसको ना रोल करने के बाद में आप ऐसे पूरा ऐसे गोल साइज में से बना सकते हो, जैसे हम स्प्रिंग रोल खाते हैं बिल्कुल उसी शेप में, ऐसे हाथ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ऐसे आराम से कर दो, अपने आप ये बढ़ जाएगा। इधर जो साइड में थोड़ा सा खुला था इसके ऐसे हाथ से दाब दो, ऐसे मोमोज को तरह तरह दाब दो, बंद हो जाएगा बस। इधर हमारा कढ़ाई में तेल भी गर्म हुआ है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। उसके बाद हमें ये सौंफ डालना है, मेथी दाना थोड़ा से, इससे क्या होगा इसे जो खुशबू है ना हमारे सारे नाश्ता में से आ जाएगा और भी टेस्ट बनेगा। इसको डालने के बाद में जब ज़्यादा पूरा पूरा जल जाएगा, पूरा जो डाली हूँ ये मेथी हो पूरा सौंफ, इसके अंदर पूरा इसका फ्लेवर पूरा तेल में आ जाएगा, फिर हमारा नाश्ता अपने और खुशबू आएगा, अच्छा बनेगा। तेल गर्म हुआ है, अब गैस को लो फ्लेम पर रखूँगी, उसके बाद नाश्ते को डाल दूँगी। ज़्यादा हाई नहीं करना, ऐसे लो फ्लेम पे, लो टू हाई फ्लेम पे थोड़ा हल्का करके, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही गर्म लग रहा है। इसे हमें 6-7 मिनट तक इसे फ्राई करने में लगेगा। ऊपर से हमें तेल इसके नाश्ते के ऊपर ऐसे तेल करने पे क्या होगा ना और क्रिस्पी इसमें और ज़्यादा पूरा थोड़ा करारे से बनेंगे। अभी हमारा पक गया इतना पूरा एकदम पूरा, जैसे मार्क का पेस्ट्री होता है, इसे ज़्यादा पूरा बहुत ज़्यादा इसे गोल्डन भी नहीं करना है। इसे निकाल लूँगी। जो नाश्ता मैंने 3-4 बार ऐसे फोल्ड करके बनाई हूँ ना, इसे थोड़ा ज़्यादा देर तक इसे हमें तेल में, क्योंकि अंदर तक इसमें क्रिस्पी होना चाहिए, हमें इतने करारा करना है बस। अभी भी निकालने के लिए रेडी है हमारा सारा नाश्ता, मैं इसे निकाल ली हूँ, पूरा एकदम करारे पूरा बने हैं, पूरा कोई नहीं कहे कि रोल नहीं है, जो हम बाजार से लाते हैं ना उससे ज़्यादा अच्छा है, और सारे अच्छा बन गया है। अब इसे मैं सर्व करूँगी टमाटो केचप के साथ, ऐसे हम चाकू के मदद से ऐसे, अभी बहुत गर्म भी है इसे, सारा मैं इसे कट कर लूँगी। 1 कप मैदे से और 3 आलू से हमारे 4 किता के नाश्ता पूरा बन के रेडी हुए, देखना कितने करारे बने हैं। ये भी करारे सारे जितने भी मैं बनाई हूँ सारे नाश्ते पूरे करारे बने हैं, इतनी टेस्टी है। और मैं इसे सर्व करी हूँ टमाटो केचप के साथ, आप जो भी पसंद करो चटनी सॉस उसके भी साथ आप खा सकते हो। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी ना प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। फिर आपके एकदम कम सामान से बनने वाली रेसिपी लेके आऊँगी आप साथ, एकदम शेयर करूँगी एकदम अमेजिंग रेसिपी, सुपर टेस्टी रेसिपी।